ये एक और धरना आ गया है, अब इसमें एक अवामी रद्द अमल भी शामिल है, क्योंकि आपको पता है महंगाई है, बिजली के बिल हैं, आईपीपीस के मसले चल रहे हैं। जमात इस्लामी से होने वाली अब तक के जो मुज़ाकरात मंजरे आम पर रहे हैं, उसमें आज जो आपकी पार्टी की मुलाकात हुई है सीनियर मेंबर्स की, आप क्या कोई ब्रेक थ्रू देख रही हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे दावत देने का। मोस्ट वेलकम मैम। एहतजाज, पुरामन एहतजाज करना एक जमहूरियत में हर एक का हक होता है और इसको तो रोका नहीं जा सकता। आज जो जमात इस्लामी ने जिस मौजू पे बात की है या जो उन्होंने एहतजाज अपना किया, ये एक ऐसा मसला है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जो महंगाई है या बिजली का सारफीन के लिए जिस वक्त जो इस वक्त मुश्किल हैं उससे हम इनकार नहीं कर सकते, ये वो चीज़ें हैं जो हमने इनहेरिट की। लेकिन हमारी तरफ से जो कमेटी ने आज जाके उनसे बातचीत की, बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई, बड़े खुश गवार माहौल में बातचीत हुई और उससे काफ़ी ब्रेक नज़र आया। और कल उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी की जगह पे 2 बजे के बाद, मेरा ख्याल है उन्होंने कहा है कि दूसरी नशस्त होगी और उसमें काफ़ी चीज़ें तय पा जाएंगी, क्योंकि जो वो कह रहे हैं जो आईपीपीस का मसला है, आपको पता है कि ये मुख्तलिफ अदवार में ये माहदे हुए और ये वक्त उस वक्त ये माहदे हुए जिस वक्त के लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा मुल्क में बिजली का बहरान था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।